हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और यहां पर Xiaomi ने चाइना में लॉन्च कर दिए अपने दो फीचर फोन जो कि हैं क्वीन 1 और क्वीन 1S। तो चलिए यहां पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होते हैं तो JioPhone से क्या कंपटीशन होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे क्वीन 1 की। तो यहां पर आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलेगा। यहां पर मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, इन दोनों फ़ोनों में आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा, बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो बाकी जो 15 से 20 हज़ार के फ़ोन हैं उनमें भी नहीं मिलती हैं। तो चलिए पहले क्वीन 1 की बात करते हैं। तो जो क्वीन 1 है उसमें 8GB रैम मिलेगी, 16GB की स्टोरेज मिलेगी। ये एकदम बेसिक है। इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो उसमें थोड़ा अच्छा ऑप्शन है JioPhone के कंपैरिजन में। और इसमें आपको क्वीन 1 में GPS और VoLTE नहीं मिलेगा, बट इसमें आपको वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड पूरा तो नहीं है, बट ये एंड्रॉयड के APK को सपोर्ट करता है। और इसकी 1400 mAh की जो बैटरी है वो तकरीबन 15 दिन का बैकअप आपको दे देती है। यहाँ पर आ जाते हैं अब नेक्स्ट फ़ोन जो कि है क्वीन 1S, जो कि आता है स्पेक्ट्रम SC9820 चिपसेट के साथ और जो कि क्लॉक्ड है 1.2 GHz से। इसकी जो रैम है वो है 256GB की और इसमें आपको जो स्टोरेज मिलेगी वो मिलेगी 512 MB रैम की। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको VoLTE मिलेगा, GPS मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा। और यहाँ पर आपको उन दोनों फ़ोनों में यानी क्वीन 1 और क्वीन 1S में आपको USB-C टाइप मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर इस टाइम पे कोई फ़ोन 15 से 20 हज़ार की रेंज में भी आपको USB-C टाइप नहीं देते हैं, बट यहाँ पर आपको इस प्राइस रेंज में तकरीबन इसकी प्राइस है अगर हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1900 रुपये की। तो ये काफ़ी अगर इंडिया में आता है तो काफ़ी अच्छे से कंपटीशन देगा। बट JioPhone में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे NFC है, कैमरा है, बाकी एक दो चीज़ें और हैं। बट यहाँ पर आपको क्वीन 1 और क्वीन 1S में आपको यहाँ पर TFT स्क्रीन नहीं, IPS स्क्रीन मिलेगी, यानी वो थोड़ी बेटर स्क्रीन है। और इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो भी JioPhone 1 और 2 दोनों से बेटर है, जो कि है 2.8 inches का। तो ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर टच भी मिलेगा आपको क्वीन 1 और क्वीन 1S में, तो ठीक है। बट ये अभी सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है, यहाँ पर इंडिया में नहीं हुआ है। अगर ये फ़ोन चाइना के बाद इंडिया में लॉन्च होते हैं तो JioPhone के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसमें भी कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि इसमें कैमरा कोई सा भी नहीं है, ना फ्रंट ना बैक। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी है, बाकी सब चीज़ों में अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कुछ तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सॉरी फ्रॉम टेक मी टेक्निकली।